हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो। वो लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना दोस्तों। साथ पे आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में जो करेंटली 5 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, उसका जो प्राइस है 3 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक तरह का आप बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि एक फार्मा स्टॉक है जो 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मेरे हिसाब से कि मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है और आपको मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कंपनी के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई, पहले सबसे पहले कि आप वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि आपके पैसों का सवाल है और कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप मिस कर दोगे तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए भाई रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को अंत तक देख के जाना ताकि आपका पैसा सेफ रहे, राइट। तो बात करूंगा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टॉक। कंपनी ऑलमोस्ट अगली बेसिस पे प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट मुझे खुद समझ नहीं आ पा रहा है कि कंपनी ने 2020 के आसपास या 2019 के आसपास 50 पैसे 70 पैसे का लो लगाया है। आप खुद सोचो, एक कंपनी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स की, जो एक्सपोर्ट्स करती है अपने अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ इंडिया, तब भी उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 70 पैसे तक आई थी। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई स्टॉक की वैल्यू उसके प्राइस से कभी तय नहीं की जाती, इस बात को ध्यान रख लो। इलॉन मस्क का जो टेस्ला शेयर था वो भी कभी आपका $3, $4 के आसपास ट्रेड किया करता था, आज की डेट में वो रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइस मैं आपको पेनी स्टॉक दे रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि अगर आपको मैं पेनी स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई बेनिफिट है। नहीं, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, और मैं आपको जो पेनी स्टॉक दे रहा हूँ प्रॉपर रिसर्च करके दे रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ बोल देना चाहता हूँ, प्लीज अगर आप इस चैनल को सपोर्ट देना चाहते हो तो मैं आपसे कोई पैसे आपसे कोई मैं आपसे कोई पैसों की कि मैं आपसे कोई पैसों की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे पैसे सेंड कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सिर्फ लाइक की, ठीक है, और शेयर की। तो आप शेयर कर सकते हो फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, इन दो चीज़ों की मैं आपसे उम्मीद करना चाहता हूँ, और चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं है आपसे बिल्कुल भी, राइट। तो बढ़ते आज के हमारे फार्मास्यूटिकल्स 3 रुपये का पेनी स्टॉक, जो एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है फ्यूचर के लिए, और वो बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ बाय टूडे हो सकता है, और जो फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। स्टॉक का नाम सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड है। स्टॉक का नाम दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि इसी नाम के दो स्टॉक है इस कंपनी के। तो आपको जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ उसका नाम है सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, राइट। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 3 रुपये के आसपास चल रहा है, आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके ऊपर डेप्थ एनालिसिस करूंगा अपनी टेक्निकल और साथ में फंडामेंटल, और साथ में शेयर करूंगा मेरा चार्ट व्यू, किस प्राइस में एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, उसके लिए वीडियो अंत तक देख के जाना ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ, कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर मार्केट मोर देन 200 फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स। ज्यादा दोस्तों आप देख सकते हो 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर ही काम करती कंपनी, राइट। और बात करते हैं स्टॉक के बारे में, दोस्तों कंपनी जो है ये सिंकॉम फॉर्मुलेशन, ये सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, NSE में लिस्टेड कंपनी नहीं है, BSE में लिस्टेड कंपनी है। BSE में कामकाज होता है स्टॉक में। और अगर मार्केट कैप देखते हैं दोस्तों, मार्केट कैप 248 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, करंट प्राइस चला है 3 रुपये 18 पैसे के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया था। और देखते हैं स्टॉक में और क्या है दोस्तों, हाई लोज की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हो कंपनी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर दोस्तों आप लो देखते हो कंपनी का, तो लो है 39 पैसे के आसपास दोस्तों, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। देखो 39 पैसे से स्टॉक 4 रुपये हो गया। तो भैया अब आपके जब अगर आप इसके बाद प्रॉफिट देखोगे ना, तो आप बोलोगे प्रॉफिट के हिसाब से तो कंपनी 39 पैसे कभी जा नहीं सकती थी, आपका ये आएगा रिएक्शन। लेकिन ये कंपनी सच में 39 पैसे गई है, और प्रॉफिट होने के बावजूद भी। तो ये भी काफ़ी एक मुझे चौंकाने वाला रिजल्ट मिला। अब इसका प्रॉपर रीजन क्या है, मैंने रिसर्च करने का प्रयास किया, मुझे कुछ ऐसा कुछ रीजन नहीं मिले। अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो, अगर आपको जानकारी है स्टॉक के बारे में कि हाँ ये स्टॉक 39 पैसे गया था इस रीजन की वजह से, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट होने के बावजूद भी। तो अब आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जो एक डेट फ्री कंपनी है, तो भाई डेफिनेटली ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एक फार्मा सेक्टर की एक डेट फ्री कंपनी है, देख सकते हो इसका ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो ऐसा स्टॉक जो 5 रुपये के अंडर ट्रेड कर रहा हो और जो डेट फ्री हो, तो डेफिनेटली ये स्टॉक वो हो सकता है, और उसमें आप पैसे लगा सकते हो।
आप दोस्तों देख सकते हो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आता है, ठीक है, उसे अजंता फार्मा, इनकी कैटेगरी का स्टॉक है, ठीक है, सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, पीएस पे अपने बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो देख सकते हो मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स खोल रखे हैं, हम सीधा आपको लेकर चलते हैं दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स जो इस साल, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में मैं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट की कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखो दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी इज मेकिंग समथिंग, देख सकते हो लगातार कंपनी शो कर रही है अपने बुक्स में, इसके बावजूद भी कंपनी 39 पैसे का लो लगाती है, तो कुछ ना कुछ तो भैया बहुत बड़ा लोअर बॉटम में, लोअर लेवल्स में बड़े प्लेयरों ने उसको पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा डेफिनेटली करी है, ठीक है। अभी चार्ट के माध्यम शेयर करूंगा कि किस प्राइस में लोगों ने पैसा लगाया है नीचे के लेवल्स में, तो डेफिनेटली भाई 39 पैसे से स्टॉक अभी 3 रुपए गया है और देख सकते हो प्रॉफिट कंपनी के लगातार है और लगातार 4 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है, लेकिन तब भी स्टॉक आपका 39 पैसे का लो लगाया कंपनी ने, तो कुछ ना कुछ तो कंपनी में बात होगी जिस वजह से स्टॉक ने 39 पैसे का लो लगाया वहां से रिकवर भी कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें आप पैसा लगा सकते हो, मल्टीवेगा स्टॉक बन सकता है। आप देख सकते हो आगे, तो ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट मैंने खोल रखे है, आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकते है 84 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स थी, लगातार सेल्स में एक ग्रोथ नजर आ रही है आपको। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ दोस्तों, देख सकते हो इस दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट 10 करोड़ के आसपास था और जो सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था 9 करोड़ था, मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है प्रॉफिट के माध्यम से, डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रख सकते हो, साथ में अर्निंग पर शेयर भी एक अच्छा खासा है कंपनी का, लगातार ग्रो हो रहा है। बात करते हैं इसके अब हमारे सिविल्डिक पैटर्न के बारे में कि जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, राइट, आपको स्कीम में देखने को मिल सकता है दिसंबर में उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 41% के आसपास है और जो पहले मार्च 2018 के आसपास 38% के आसपास थी, तो इसमें DII और FII का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, पब्लिक है इसमें जो रिटेल होती है 59% के आसपास, तो डेफिनेटली भाई आप उसमें पैसा लगा सकते हो, लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन होगा इसी वजह से वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा मुझे लगता है ये जो प्रमोटर है सिंकॉम के, ये डेफिनेटली पूरा का पूरा माल पब्लिक से बाय करना स्टार्ट कर देंगे ऊपर के लेवल्स में, ठीक है, ऊपर के लेवल से मतलब 5 रुपए 6 रुपए के लेवल्स में, और जब वो 6 रुपए के लेवल्स में बाय करेंगे तो उनका जो टारगेट रहेगा 18 रुपए 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए, उनका टारगेट बढ़ा रहेगा, बात को समझ रहे हो ना, उनको कोई टेंशन नहीं अगर वो महंगे में बाय करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी की ग्रोथ अगर नेक्स्ट 2 सालों में नहीं होती है लेकिन नेक्स्ट 10 सालों में पक्का हो जाएगी, तो उनका जो व्यू होता है 10 सालों का होता है, और जो हमारे रिटेल होते हैं उनका व्यू होता है मात्र 6 महीने 1 साल, इतना व्यू लेके चलते हैं, इसी वजह से स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। तो अगर आपको इस स्टॉक को होल्ड करना तो भाई नेक्स्ट 10 सालों के लिए होल्ड करो, वरना स्टॉक में पैसा मत लगाना, ठीक है, 10 सालों के लिए होल्ड करो, ये मल्टीवैगा स्टॉक बनेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, तो 10 साल तक स्टॉक को होल्ड करो, आपका पैसा डेफिनेटली इसमें बनेगा, लेकिन हाँ कोई बड़ी अमाउंट लगानी हो सकता नहीं है, आपको डाइवर्सिफाई करना होता है, आप एक छोटा सा हिस्सा टुकड़ा लगा सकते हो इसमें, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकते हैं, 1 लाख रुपए भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके जेब के अकॉर्डिंग, राइट। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक चार्ट के बारे में, तो ये मैंने खोल रखा सिंकॉम स्टॉक चार्ट की, इसमें मुझे क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता, चार्ट के माध्यम शेयर करूंगा अपने स्टॉक लॉस टारगेट और किस प्राइस में एंट्री करना चाहिए, तो मैं चार्ट खोल देता हूं उसका, ये मैंने सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया का चार्ट खोला हुआ है, ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, तो देख सकते हैं मैंने 2 लाइनें फ्लॉट कर रखी है, ठीक है, मैं आपको देखने को मिल सकता है मैंने 2 लाइनें फ्लॉट कर रखी है, इसका मतलब क्या आपको समझा देता हूं, 2018 में ये जो हाई दिख रहा है आपको ये 2 रुपए 50 पैसे के आसपास था, तो ये 2020 में इस स्टॉक ने काट दिया है, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो अगर फ्यूचर में आपको स्टॉक 2 रुपए 50 पैसे कभी मिलता है, मुझे लगता है डेफिनेटली एक बार ये टेस्ट कर सकता है 2 रुपए 50 पैसे, तो डेफिनेट 2 रुपए 50 पैसे में एक बाय बनता है, स्पेंड करनी है स्टॉक में, तो डेफिनेटली आप 2 रुपए 50 पैसे में स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस एरिया के आसपास, मतलब इसको एवरेज आउट कर सकते हो, इस एरिया के आसपास मतलब 1 रुपए और 80 पैसे के आसपास स्टॉक को आप एवरेज आउट कर सकते हो, तो मतलब अगर आपको 2 रुपए 50 पैसे अगर आपको 2 रुपए 50 पैसे स्टॉक मिलता है तो आप पूरा का पूरा पैसा मत लगाना, आप थोड़ा पैसा लगाना, भी थोड़ा पैसा अगर आपको नीचे मिलता है 1 रुपए 1.5 रुपए के लेवल्स में तो आप वहां पर भी आप स्टॉक को बाय कर सको, इतना आप ऊपर के लेवल्स में लगाना पैसा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस, दोस्तों देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम लो है, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई तरीके समझिए आप स्टॉक को, इस तरीके समझिए कि भाई जो पैसा मैं लगा रहा हूँ या तो वो जीरो होगा या तो हीरो होगा, क्योंकि दोस्तों का जो लो है वो है आपका 40 पैसे, तो या तो अपना स्टॉप लॉस लगाओ 40 पैसे के नीचे, या आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ कि भैया मैं इसमें इतना अमाउंट लगा रहा हूँ, या तो पैसा जीरो होगा या मुझे एक अच्छी रिटर्न बना के देगा, तो आप डिसाइड कर लो,
वो अमाउंट क्या है। मेरे हिसाब से भाई देखो कंपनी का चार्ट काफी बढ़िया लग रहा है, मुझे लगता है कि इसका कंपनी का चार्ट रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, काफी ऊपर के लेवल से गिरा है और 39 पैसे का सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली 2.5 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा स्टॉक ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू कर सकता है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो मैंने आपको बता दिया कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, लाजवाब है, शानदार है, डेफिनेटली आपको पैसा लगाना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी गजब है और कैश फ्लो मेंटेन है, तो डेफिनेटली स्टॉक में पैसा लगा सकती हो। फार्मास्यूटिकल कंपनी है कर सकती हो और स्टॉक अभी 5 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो भाई डेफिनेटली स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। मेरा मानना ये है, मैं भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा जब 2.5 रुपए के आसपास मुझे मिलता है। तो अगर आपका कोई सुझाव है या कोई टिप्पणी है आप नीचे कॉमेंट करके शेयर कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा।